एड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम रात्रि का समय है, आज मंगलवार, और हम एक प्राइवेट बस में बैठे हुए हैं सिडोरा बस स्टैंड पर, और हमारे सामने परिचालक मोनू जी, यहाँ पर जो मोनू जी के नाम से ही मशहूर हैं, वो खड़े कहते हैं कि ईमानदारी जिंदा है। एक बैग अम्बाला से जब सिडोरा ये उतरे तो उन्होंने देखा एक बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है, लॉक किया हुआ बैग है, और ये बैग के मालिक का उनको पता नहीं था। फिर उन्होंने छानबीन अपने तरीके से की और मालिक को उन्होंने बुलाया, वो मुलाने से वो मालिक हैं इस बैग का, और वो अभी रास्ते में है, वो आ रहे हैं अभी। बैग में क्या है कुछ नहीं है। तो मोनू जी से बात करते हैं। मोनू जी, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे पता लगा बैग पड़ा किसका है? ये बैग एक सवारी का रह गया था जी। सवारी ने किसी के नंबर लेके कनेक्टर के पास फोन किया और कनेक्टर ने फिर मेरे पास फोन किया कि भाई किसी का बैग रह गया पीछे और वो बंदा बैग अपना लेने के लिए आ रहा है। आप चालक हैं इस गाड़ी के? मैं इस गाड़ी का चालक हूँ और अभी वो बैग लेने आ रहा है। मैंने अभी उसके पास फोन किया था, वो बोलता मैं सरावा पार कर गया हूँ। गाड़ी करके आया जैसे बता रहे आप? हाँ जी, वो गाड़ी करके आ रहा है। मुलाने का है वो? मुलाना ही पता नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा या रहता होगा वहाँ पे, ये तो मालूम नहीं है। वो एक सवारी थी बस मेरे लिए। ठीक है बात। तो उसने नंबर कहाँ से ले लिया ड्राइवर का, अपने कनेक्टर का? जो कोई सवारी उतरी होगी वहाँ पे मिलाना में, जैसे भी कनेक्टर और ड्राइवर को तो जानती हैं तकरीबन, क्योंकि सिडोरे से प्रॉपर चल ही रही है बस, तीन के दिल करते हैं। तो किसी से पूछा होगा उसने, उसने उसको कनेक्टर का नंबर दिया, कनेक्टर से संपर्क किया उसने, फिर कनेक्टर ने मेरे से संपर्क किया कि भाई किसी का बैग रह गया इसमें और वो बैग आपके पास लेकर के जा रहा हूँ, वो आएगा लेने के लिए, उसको ये बैग सौंप देना। ठीक है बात। वो अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाला है यहाँ पे, तो इतना ही पता लगेगा कि बैग में क्या था क्या नहीं था। जी सर। स्पेशली बंदा आ रहा है, देख सकते हैं बैग, और ये सामने बैग रखा हुआ है, अब जिसका है वो अपना लेने के लिए आ रहा है। अब आएगा तभी पता लगेगा कि इसमें क्या था। इसमें ताला लगा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ कीमती सामान कह सकते इसमें होगा, तभी इसको अच्छे ढंग से लॉक किया हुआ है, लेकिन वो भूल गया। और जल्दी जल्दी में हो जाता है, कई बार आदमी उतर जाता है बिना अपना सामान उठाए, और ऐसा ऐसा सर कई बार होता भी होगा कि सामान सवारी भूल जाती है। भूल जाता है जी। वो देखो अभी एक बैग और पड़ा है रैक में। अच्छा, जो कोई लोग भूल जाते हैं सुबह उठा, एक बैग और पड़ा हुआ है यहाँ पे। ईमानदारी तो यानी बहुत अच्छे ढंग से जिंदा, ये बैग पड़ा है किसी का, देख लीजिए भाई किसी का बैग हो ये। अब ये है पीछे पिट्ठू बैग है, ये रखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी सवारी देखे तो अगर सफर किया हो तो वो अगर मोनू जी से भी संपर्क कर लें। रात को ये खड़ी गाड़ी है? गाड़ी रात को यहीं पे खड़ी होती है। और सुबह क्या टाइम है पहला चलने का? सुबह 7 बजे का टाइम है पहला चलने। 7 बजे का टाइम चलने का है। तो फिलहाल तो अभी इस मालिक के इंतजार में है, ये मालिक इसका आ रहा है और इसको फिर ये उसका बैग ये सौंपेंगे, देखते हैं। चलिए इंतजार करते हैं उसके मालिक का। अब इस बैग के जो मालिक हैं आदित्य कुमार, कहाँ से आप आदित्य जी? बिहार से। कैसे रह गए आप आपका बस में बैग ये? पहली बार आया ना यूनिवर्सिटी में। कौन से? एमएम यूनिवर्सिटी में। एमएम यूनिवर्सिटी, मेरे से माइंड वो था कि घर से निकले हूँ, सीट के नीचे ऐसे रह गया। तो यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं आप यहाँ पे? अभी फर्स्ट टाइम आया सर, होटल मैनेजमेंट एडमिशन लिए। एडमिशन अभी लिया है? जी लिया। अच्छा, तो उतर गए आप वहाँ पे? हाँ वहाँ भी उतर गए। फिर वहाँ से अचानक याद आया तो मैंने इनका गाड़ी वहाँ लगा था, इनको कहा भी आप चल सकते हैं, तो बोला हाँ चल सकते हैं, तो इनके थ्रू आए यहाँ। अच्छा अच्छा, एकदम परेशानी होगी आपकी? जी बहुत परेशानी होगी। तो क्या कुछ है बैग में, इसमें लोग लगा रखे आपने? जी इसमें वो कपड़े होंगे। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स बता रहे? डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके अपने हैं ना ये? जी मेरा बैग है। होंगे क्यों कह रहे फिर आप? मेरा ही बैग है। अच्छा, बैग तो आपका है जी। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सारे यूनिवर्सिटी के होंगे डॉक्यूमेंट्स? जी। अगर ये ना मिलता तो फिर कितनी दिक्कत आती आपको? बहुत दिक्कत आती सर, बहुत ज्यादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद तो इनके चालक का कहो जी। धन्यवाद अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई ईमानदार आदमी हमारे ये। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपका मिल गया है तो आपके डॉक्यूमेंट बच गए, डॉक्यूमेंट वापस द्वारा बढ़ने तो बड़े मुश्किल होते हैं। धन्यवाद सर, यूनिवर्सिटी में तो बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लग जाता है। बहुत ज्यादा आपने हेल्प की। चलिए कोई और सेवा हमारे लिए, खाना खुना खा खिला के भेजे। क्या नाम आपका? आदित्य कुमार। आदित्य जी ब्राह्मण है। अच्छा ब्राह्मण है, बहुत बढ़िया। तो आप चाय चुप लाएंगे आपको फिर? नहीं नहीं ठीक है, डैडी गाड़ी में बैठे। अच्छा डैडी गाड़ी में बैठे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या होता है अगर मैं नहीं लेके जाता ना, तभी दोस्त यूनिवर्सिटी में कह रहा है कि बिना डॉक्यूमेंट के तो गेट पे दिखाई एंट्री नहीं मिलती। अच्छा मतलब इसके डॉक्यूमेंट बिना आपके अंदर भी नहीं जाने देते? अंदर नहीं जाने देते सर, इसीलिए इतनी देर। तभी तो इनको अभी गाड़ी बुक किया खास वहाँ से आए। बताइए गाड़ी स्पेशल बुक किया आपने मुलाने से? मुलाना से देखिए उनकी गाड़ी बुक करके आए कि नहीं। कितने पैसे मांग रहे हो? तो बेचारे बहुत ईमानदार आदमी है। 800 रुपए? 700 में। चलो आपकी मदद करी है उन्होंने, सस्ते में ही है फिर भी। बहुत मदद की उन्होंने। हाँ सस्ते में है जी, 700 में। हाँ चलिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी मोनू जी, कैसा महसूस कर रहे हैं कि मदद करी आपने? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी और ऐसा हम
सारी उम्र करते रहेंगे। पहले भी एक साल की बात हो गई, पहले भी एक इसमें बैग रह गया था जो दिल्ली के रहने वाले थे, वो भी अपना बैग 6 महीने के बाद लेके गए थे मेरे से। चलिए, बहुत बहुत आपकी ईमानदारी जिंदा है, तभी आप तंदुरुस्त हैं और आपके परिवार का आपका बहुत मान सम्मान है। चलिए, बहुत बहुत मनोज जी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे शुभ काम आप करते रहें, क्योंकि ऐसे शुभ कार्यों से ही ये सारे धन संसार टिका हुआ है। ईमानदारी जिंदा है आपकी मिसाल की, बहुत बहुत धन्यवाद।